रेवेन्यू में गत्ते के अंदर नोटों के बंडल वायरल होने की खबर के मामले में दवा व्यवसायी ने कई न्यूज चैनलों के द्वारा चलाई गई खबर को भ्रामक बताते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराने के बाद प्रेस वार्ता की। मामला शहर के दवा व्यवसायी मनोज कुमार पांडे उर्फ बजरंग दास निवासी सर्वोदय नगर थाना मील एरिया का है, जहाँ कई न्यूज चैनलों के द्वारा 26 नवम्बर 2024 तारीख को गत्ते में नोटों के बंडल मिलने की खबर चलाई, जिसमें दवा व्यवसायी एक कागज के गत्ते के अंदर नोटों के बंडल रखते हुए दिखाई दिया। खबर चलने के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत पत्र देते हुए प्रेस वार्ता की। दवा व्यवसायी ने बताया कि जिस तरह से विभिन्न चैनलों के द्वारा खबर को चलाया गया, जिसमें मेरा मान सम्मान गिरने के साथ ही मेरे साथ हत्या, डकैती, अपहरण जैसी वारदात हो सकती है, उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले से अवगत कराते हुए शिकायत पत्र सौंपा है। जी, मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है, मैं यहाँ पे दवा व्यवसायी हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि एक समाचार, भारत समाचार द्वारा मेरे खिलाफ़ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं एक इनकम टैक्स पे ही हूँ और मुख्यमंत्री की योजना में भी मैं हूँ, इन्वेस्टर समिट में भी हूँ, और जिस तरीके की भ्रामक खबरें, एक वीडियो वायरल जिसका अप्रूवल लिए बिना फैलाई जा रही है मेरी छवि को, और उसके अलावा बैंक के अंदर मैं कैसे जाता हूँ, कैसे ले रहा हूँ उसकी वीडियो है, कहाँ मैं पैसे लगता हूँ उसकी वीडियो है। मेरे को ये लगता है कि मेरे को बार बार उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, एक साल से इस चीज़ को लेकर के ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो संबंधित जाँच एजेंसियों को मैंने भेजा, इनकम टैक्सों में पूरा रिटर्न भेज रहा हूँ, और एक इनकम टैक्स, और उसमें मैं एक सम्मानित व्यापारी हूँ, उसको इस भ्रामक खबरों को फैला करके मुझको एक क्रिमिनल साबित किया गया। और उसके अलावा ये है कि मेरे ऊपर डकैती हो सकती है, मेरे हत्या हो सकती है। इन चीज़ों को बिना साबित किए आपको प्रचारित करना, मेरी छवि को दंड फैलाना है। मैं कोई मूंगफली बेचने वाला नहीं हूँ, मैं एक रायबरेली का प्रतिष्ठित हूँ। GST के अंदर अगर फार्मा के अंदर टॉप 10 में नाम है, तो टॉप 10 में नाम मनोज कुमार पांडे का भी है। वो मैंने जांच एजेंसियों को बोला है कि आप इसकी जांच करिए, वीडियो कहाँ से आया, किसने बनाया है, जांच करिए। जो जो स्टेटमेंट है मैं वो उनको आयकर विभाग सबको दे चुका हूँ, कब कब मैं कैश निकालता हूँ, कब कब जमा करता हूँ, उसकी रिटर्न मैं पहले ही जांच एजेंसियों को दे चुका हूँ। GST में हमेशा जमा करता हूँ, फिर भी कोई जाँच करना चाहते हैं तो आइए। ये लोग जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि मेरी जाँच हो रही है, ये हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लोग आए हैं वो लोग मेरे कागजात देके सेटिस्फाई होकर के गए हैं, और भी कोई जांच एजेंसियां हैं तो मैं उनको स्वीकार करता हूं, वो आए मेरे जांच करिए, सब कुछ खुला है। लेकिन इन चीज़ों का गंभीर मैटर नहीं, मैटर ये है कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, मेरे से रंगदारी मानी जा रही है, मेरे जैसे कितने व्यापारियों को उन लोगों ने ब्लैकमेल किया है, इसकी भी जाँच। इस मैटर को मैं मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सुप्रीम कोर्ट तक के स्तर पर ले जाऊँगा, और इसके पहले मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि ये व्यापारियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर। रंगदारी की जो मांग की जा रही है उसकी ऑडियो आपके पास है कुछ? मेरे को जब जब फ़ोन किए गए हैं उसकी कॉल डिटेल्स मैं सभी को दे चुका हूँ, जो भी मेरे पास वो हैं साक्ष्य वो भी मैं दे चुका हूँ, जो जो वीडियो वायरल हुए हैं उनकी भी मैं फोटो कापी करा करके दे चुका हूँ। जिन जिन्होंने किया है उनको आजकल में नोटिस हो जाएगा, और जो भी जाँच में आएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठा से, मेरी व्यापारिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मैटर है, जो भी जांच में आएगा मैं उसको आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो कि इस भारत का चौथा स्तंभ समझा जाता है पत्रकारिता, मैं उसको स्पष्ट करूंगा। एक बार जब मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री से सुना था कि वो जब लड़खड़ाए सीढ़ी से तो एक पत्रकार ने संभाला था, तो ये राजनीति पत्रकारिता के विषय में मैं ये सुनता था कि जब भी कोई लड़खड़ाता है तो ये भारत की पत्रकारिता उसको संभालती है। लेकिन भारत की इस रायबरेली में मैंने पहली बार देखा है कि एक उद्योगपति को ऐसे ब्लैकमेल किया गया। मैं कप्तान से भी मिला हूँ, मैं उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी मिला हूँ, इसकी जाँच हो रही है, और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा।